वेलकम टू माय चैनल सूची स्टार बहार। मैं फिर से वापस आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर एक नया रेसिपी लेकर के। आज का जो रेसिपी है वो एक कोरियन स्टाइल है। जी हाँ, इस बार पहली बार जो है मैं आप लोगों के लिए एक कोरियन स्टाइल रेसिपी लेकर के आई हूँ, वो है गार्लिक मशरूम पटाटो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बनाते हैं गार्लिक मशरूम पटाटो। कोरियन स्टाइल पटाटो मशरूम बनाने के लिए मैं यहाँ पे चार पटाटो को बॉईल कर ली हूँ। थोड़ा सा गार्लिक यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत है, इसलिए गार्लिक को यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से एकदम रफली चॉप काट ली हूँ। एक मीडियम साइज़ का ऑनियन को भी छोटे छोटे बारीकी से का मैंने काट लिया है, और हाफ कैप्सिकम इसको भी मैं एक छोटे छोटे टुकड़ों में बारीकी से काट ली हूँ। थोड़ा सा चाहिए कॉर्नफ्लोर, सिजवान चटनी, आप सिजवान सॉस, सिजवान चटनी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ना हो तो आप घर में भी बना सकते हो सिजवान चटनी। थोड़ा सा सोया सॉस, टमेटो सॉस और ऑयल। तो चलिए सबसे पहले हम बहुत अच्छे से इसको हम स्मैश कर लेंगे पटेटो को। एक स्मैशर का यूज़ करके मैं इसको बहुत अच्छे से स्मैश कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दूंगी ताकि ये जो पटेटो को मैं गूंथूँ ना तो एकदम टाइट थोड़ा सा लोइया बने, इसलिए तो मैं इसके लिए ये टीस्पून का मैं 2 स्पून इसमें कॉर्नस्टार्च मिला दी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पटेटो के साथ। अब इसे हम हाथ से ही अच्छे से इसको हम गूंथ लेंगे। एकदम बारीकी से ये जो पटेटो है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरीके का होना चाहिए। देखिए इस तरीके का जब हम इसको लोइया बनाए तो ये टूटे ना और एकदम स्मूथ हो जाए, इस तरह से बहुत अच्छे से इसे हमें गूंथना है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। फिर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसका मीडियम साइज का लोइया बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए कितना इजी वे से ये जो है लोइया बन जा रही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका साइज किस तरह से रखोगे, तो मैं इस तरह से मीडियम साइज रख रही हूँ और इसको एकदम हल्के हाथों से इस तरह से गोल गोल करके बना देना है। तो चलिए सारा लोइया जो है सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, इसके बाद इसको हम मशरूम का शेप देंगे। तो देखिए सारा लोइया बनाना कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसको शेप देना शुरू करते हैं। तो इस तरीके का एक चॉपिंग बोर्ड हम ले लेंगे, इसमें एक पोटैटो बॉल्स को रखेंगे और ये रहा कैप, कोई सा भी छोटा मुंह वाला आप बॉटल का कैप ले लीजिएगा और इसको इस तरह से आप प्रेस करिएगा, इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। देखिए बन गई ना ये मशरूम, ये देखिए इस तरह से मैं सारे पोटैटोस को मैं शेप में कर देती हूँ। हल्का सा प्रेस करिएगा। और ये बन गई मशरूम। तो चलिए सारे पोटैटोस को हम इस तरह से मशरूम पैक शेप दे देते हैं। इस तरह से तो देखिए सारे पोटैटोस को मैं इस तरह से मशरूम का शेप दे दी हूँ। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको हम बॉईल कर लेंगे ताकि ये टूटे ना और अच्छे से सेट हो जाए। एक पैन में मैं सिंपल पानी दी हूँ, इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको थोड़ा सा उबलने के लिए देते हैं, पोटैटोस को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पानी जो है वो गर्म हो गई है,
अब मैं इसमें एक एक करके पटेटोस को धीरे धीरे करके दे देती हूँ। एक पैन में थोड़ा सा हम ऑयल ले लें। इसे ग्रीस कर लेते हैं पैन को। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप गार्लिक, चॉप ऑनियन और चॉप कैप्सिकम। हाई फ्लेम में इसे हमें बहुत अच्छे से टॉस करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसमें अब हम सोया सॉस और शेजवान चटनी भी ऐड करेंगे तो उसमें ऑलरेडी नमक जो है थोड़ा बहुत रहती है, इसलिए हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हाई फ्लेम में जस्ट 2 मिनट के लिए हमें टॉस करना है। गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी मत करिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 स्पून शेजवान चटनी, क्योंकि शेजवान चटनी बहुत ज़्यादा तीखी होती है इसलिए मैं कम यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को अगर ज़्यादा तीखी खानी है तो फिर आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। पानी ऐड कर देते हैं इसमें। उबलने के लिए देंगे, तब तक इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून टमेटो सॉस। ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी में मिला हुआ एरोरूट, कॉर्न स्टार्च जिसे हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसे हमें बहुत जल्दी भी चलाना है ताकि ग्रेवी की थिकनेस जो है वो बनी रहे। देखिए ग्रेवी कितनी जल्दी जो है वो थिकनेस जो हो गई है। चलिए अब हम इसमें जो सॉल्ट वो अभी टेस्ट करेंगे। सॉल्ट थोड़ा हम ऐड कर देते हैं। अब गैस की फ्लेम को सीम है करके इसमें जो पोटैटोस थे बॉइल पोटैटोस इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ। जस्ट 1 मिनट के लिए इसको हम चला के अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आपने देखा कितना इजी वे से घर में ही हम कोरियन डिश बना सकते हैं। तो घर में आप लोग भी ट्राई करिएगा ये मशरूम पोटैटो, ये खाने में जितना हेल्दी है और उतनी टेस्टी भी है और बहुत झटपट बिना किसी मुश्किल के ये बादाम से बन जाती है। तो चलिए ये बन के बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। तो अगर आपको मेरी आज की ये कोरियन स्टाइल मशरूम पोटैटो की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत जल्द फिर से वापस आऊँगी फिर एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।